घूमने के लिए तहसील परिषद की बैठक का आयोजन करने के पीछे कुछ अति महत्वपूर्ण विषय थे। एक तो हमारे जो डेंटल में हमारी सीट है, चूंकि हम पहले से ही चोट खाए हुए हैं, तीन तीन हमारे मेडिकल कॉलेज के साथ केंद्र सरकार ने जिस तरीके से व्यवहार किया और हमारे 450 बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया, तो दूध का जला हुआ आदमी मट्ठा को भी फूक फूक के पीता है। अभी हमारे 50 डेंटल के छात्र हैं, उनको उस जगह की पूर्ति के लिए जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में कुछ किताब वगैरह खरीदने की बात है, कुछ कुछ कमी खामी है, वो सारी चीजों को दूर करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए बैठक आयोजित की गई थी। फिर 150 स्टूडेंट से हम 250 स्टूडेंट की तरफ बढ़ने के लिए वहां क्या कमी खामी है और क्या MCI के गाइडलाइन है, उन सभी चीजों पर चिंतन मनन किया गया। 370 नर्स की भर्ती के लिए हम लोगों ने हमारे डायरेक्टर को आदेश निर्गत कर दिया है और एम्स की तर्ज पर 80% हमारी बहन होंगी और 20% हमारे पुरुष भाई होंगे उसमें। इसी के साथ साथ नए डायरेक्टर आए हैं, इनकी भी संपुष्टि की गई है और बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों की आवश्यकताएं हैं, चाहे वो कार्डिया का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा डायलिसिस का क्षेत्र हो, चाहे हमको सिटी स्कैन वगैरह की मशीन की आवश्यकता हो, तो वो जो जो चीजों की कमी हो रही है, हम लोगों ने अपने डायरेक्टर को अधिकृत किया है कि वो उन चीजों को नियम के तहत क्रय करें। डेंटल और मेडिकल दोनों में जी जो परिषद के हिसाब से जो कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए थी। शासी परिषद सब चीज से सहमत है, उसको हम लोग समय से पूरा कर लेंगे। ताकि कब तक समय है? ये फरवरी में दोबारा इंस्पेक्शन होगा डेंटल का, मई जून में होगा मेडिकल का, तब तक हम लोग सारा पूरा करेंगे। और ये सर नर्स बहाली वाला क्या होता है? नर्स बहाली में एक इशू था कि कितने परसेंट मेल हो सकते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जो है जो एम्स न्यू दिल्ली में है, सारे एम्स में है 20% वही रहे।